राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र में आम जन को एक बड़ी राहत देते हुए राजस्थान के सभी 143 स्टेट टोल प्लाजा पर निजी वाहनों को फ्री किए जाने का ऐलान किया था। अब उस घोषणा का सरकार नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 अप्रैल से निजी वाहनों पर टोल फ्री की सुविधा मिलने लगेगी। प्रदेश में स्टेट हाईवे को 4,500 किलोमीटर सड़कों पर अब निजी वाहनों को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की घोषणा के बाद 31 मार्च को आधी रात 12 बजे के बाद यह नोटिफिकेशन लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में 4638 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है जो 56 अलग अलग सड़क मार्गों में बंटा हुआ है। इन सभी मार्ग पर 143 टोल प्लाजा है जहां पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निजी वाहनों को टोल फ्री करने की घोषणा की है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीब 7,500 किलोमीटर सड़कों पर 58 टोल प्लाजा है, इन पर टोल व्यवस्था लागू रहेगी। गौरतलब है कि करीब 2 माह पहले की गई इस घोषणा के बाद यह स्थिति साफ नहीं हो पाई थी कि टोल फ्री कब से होगा। टोल प्लाजा पर रोजाना आने जाने वाले लोग टोल कर्मियों से टोल फ्री को लेकर उलझते हुए नजर आ रहे थे। आखिर कुछ समय बाद साफ हो पाया कि 1 अप्रैल से टोल फ्री रहेगा। देखने वाली बात है कि चुनावी साल के चलते वसुंधरा सरकार द्वारा आम जन को राहत देने वाली घोषणा खाली चुनावी तो नहीं रहेगी।